ये जो मोहिनी अवतार है, ये मोहिनी अवतार कहीं और घटित नहीं होता है, यह मोहिनी अवतार हमारे इसी शरीर में घटित होता है। बोले देवता लोग जानते थे कि इस स्त्री मोहिनी स्त्री के स्वरूप में ये मोहित करने वाली जो स्त्री है ये कोई और नहीं है बल्कि ये नारायण है, और जब नारायण है तो ये हमारे हितैषी है, वो तो जानते हैं वस्तुतः स्थिति क्या है, लेकिन दैत्य लोग नहीं जानते थे। वह उसके ऊपर मोहित होकर के उसके रूप के आकर्षण में बंद करके वह उसके आगे पीछे घूमने लगे और उस मोहिनी अवतार ने जैसा चाहा वैसा करवाया। उसने कहा पंक्ति लगा लो, पंक्ति लग गई। बोले झगड़ा मत करो, झगड़ा नहीं हुआ। फिर बड़े प्रेम से बोली कि ऐसा है अमृत जो होता है ना वो गाढ़ा होता है, तो नीचे बैठ गया तो देवताओं को पहले मैं ऊपर का हल्का हल्का जो पानी है ना वो सब पान करा देती हूँ, फिर तुम लोगों को मैं जो हूं मैं अमृत का गाढ़ा जो सार है वह है तुमको मैं पान कराऊंगी। दैत्य बोले हाँ देवी हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है। अब जरा विचार करिए, इस अवतार को अपने ऊपर घटाइए। बोले ये संसार में हम लोग मोहित हो जाते हैं इस इन लोक के प्रति, इन लौकिक पदार्थों के प्रति जब हम मोहित हो जाते हैं, जब हम संसार के प्रति मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर के हम अच्छे और बुरे का विचार और विवेक छोड़ देते हैं तो हमारा अवतार दैत्यों के स्वरूप में चला जाता है। तब यह माया यह संसार हमको मोहिनी स्वरूप में हमको अपने आगे पीछे घुमाता है और तब हम इसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन इसी संसार में जब हम ये जान जाते हैं कि ये जो संसार है इस संसार का हर तत्व में ईश्वर बैठा हुआ है, इस संसार के हर कण कण में नारायण का जो है स्वरूप है, नारायण का स्थान है और हमें हर तत्व में नारायण दिखाई देता है, हमें अपना ईश्वर, हमें अपना बाबा, हमें अपना इष्ट देवता, हमें अपना देवत्व दिखाई देता है, तो फिर हम संसार में उसके प्रति हम मोहित नहीं होते। जब मुझे मालूम है कि ये जो सामने ये जो मेरे बच्चे हैं ये भी मेरा ईश्वर का ही प्रसाद है, ये मेरे बाबा का प्रसाद है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं और अगर मैं अपना कर्म कर रहा हूं तो अपने कर्म को करता हुआ वह मुझको संपूर्ण फल, मैं तो अपना कर्म पूर्ण रूपेण हूं, पूर्ण रूपेण मैं अपने कर्म को करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं भरकस प्रयास कर और अंतिम क्षणों तक मैं उस प्रयास को करता रहूंगा। विचार करिए, मैं अंतिम क्षणों तक जब तक मेरा वह कर्म वह मेरा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं अपने कर्म को करता रहूंगा। तो यह जो मोहिनी अवतार है भगवान का, यह मोहिनी अवतार वस्तुतः हमारे शरीर के अंदर ही हमारे ऊपर ही घटित होता है। और ये कहां घटित होता है जरा विचार करिए, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया वह जरा चिंतन करिए कि जब हम इस संसार के पदार्थों के प्रति हमारा झगड़ा हो रहा है, हमारे अंदर दैत्य और जो है देवताओं का झगड़ा चल रहा है, दानवों का और देवों का झगड़ा चल रहा है। बोले जो दैत्य है वो क्या है, बोले बोले वो जो है वो बीमारी बनाने का कार्य करते हैं शरीर में, और जो देवता है बोले वो बीमारियों से लड़ने का कार्य करते, कीटाणु और जीवाणु। जरा विचार करिए, ये शरीर के हमारे शरीर के अंदर में एक जो है रोगात्मक शक्ति है, रोगों को उत्पन्न करने वाली शक्ति, और एक रोगों से लड़ने वाली शक्ति। जो रोगों से लड़ रही है और हमें रोगों से बचा रही है वह देवता है, और जो रोगों को बना रही है, जो रोगों को बना करके हमारे शरीर में हमको रोग ग्रस्त कर रही है वही दैत्य है। अब क्या होता है, बोले ये दोनों शक्तियां लड़ती हैं, वहीं पर भगवान का मोहिनी अवतार, ये मोहिनी अवतार हमारे हमको कभी कभी विवेक शून्य कर देता है, और ये मोहिनी अवतार में हम विवेक शून्य अगर मैं परिस्थितियों में हालातों में आज वर्तमान समय की स्थितियों में अगर मैं विवेक शून्य हो गया तो जरा विचार करिए मैं दैत्य हो गया। ये अगर मैं विवेक शून्य हो गया, मैं कितनी हालातों में फंस करके मेरी स्थिति अवस्था ऐसी हो गई, व्यवस्था ऐसी हो गई कि मेरे अंदर विवेक नहीं रहा और मैं अच्छे भले बुरे का मैं ज्ञान नहीं कर पाया, तो स्थिति जरा विचार करिए
मेरी अवस्था कौन सी, मैं दैत्य हो गया। वह स्थिति ने, वह परिस्थिति ने, उन हालातों ने मुझे मोहित कर दिया और मैं मोहित होकर के, मैं मोह को प्राप्त करके मैं विवेक शून्य हो गया। अब मैं उस परिस्थितियों के, उन हालातों के अनुरूप चलता हूं, वो परिस्थितियां मुझे चलाती हैं, ये संसार मुझे चलाता है। लेकिन अगर उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में, उन्हीं स्थितियों में मैंने इस विवेक के अंतर्गत में मैंने इस तथ्य को, इस तत्व को, इस ज्ञान को मैंने स्वीकार लिया कि ये जो परिस्थितियां, ये हालात हैं, यह भी मेरे नारायण की दी हुई है, यह भी मेरे भगवान की, मेरे बाबा की दी हुई है। उन परिस्थितियों, उन हालातों में, उन जो है स्थितियों में, उन परेशानियों में, उस संसार के हर तत्व में, हर भौतिक पदार्थ में जब मैं अपने ईश्वर का दर्शन करता हूं तो मैं विवेक के अंतर्गत में, मैं सब कुछ जब अपने नारायण, देवताओं ने क्या किया जरा विचार करिए, मोहिनी अवतार में देवताओं ने मोहिनी अवतार में भगवान के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि वे जान गए कि हम कईयों बार स्थिति क्या होती है, जरा विचार करिए, देवता लोग क्या जान गए कि हम कुछ नहीं, हम लड़ नहीं सकते दैत्यों से, क्योंकि हमसे ज्यादा बलशाली है। इसी प्रकार से कईयों बार परिस्थिति, हालात इतने विषम हो जाते हैं कि हम उन परिस्थितियों से लड़ नहीं सकते। उस समय पर हमको अपने इष्ट का, हमको अपने देव 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 का, हमें अपने बाबा का, हमें अपने नारायण का, हमें स्मरण करना चाहिए और हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये यहां से अवतार, ये मोहिनी अवतार हमारे शरीर के ऊपर घटित होता है। ये ऐसी है ज्ञान का ये चिंतन हो, मैं आपको केवल अपनी तरफ से, मैं केवल आपको यह चिंतन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी ये अवतार हुए, ये केवल कथाओं में अवतार नहीं है, ये केवल जो है ग्रंथों में अवतार नहीं है, हर चीज, हर तत्व हमारे शरीर के ऊपर घटता है। वो चीज अलग है कि हमारा ज्ञान का स्तर उस तत्व को, उस तत्व को, उस ज्ञान के जो है व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाता, हम उसे ज्ञान को पकड़ नहीं पाते, इसलिए हम ये कह देते हैं ये कपोल कल्पित कल्पना है। नहीं, ये कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, ये कथा, इसमें जो कुछ भी लिखा है ये अक्षरशः सत्य है। ये मोहिनी अवतार कहां प्रतिपादित होता है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जब हम परिस्थितियों से, हालातों से हम जो है उसमें मोहित हो जाए और यहां पर हम दैत्य स्वरूप को धारण करते हैं, यही ना, ये संसार के पदार्थ हमको मोहिनी बन करके हमको नचाते हैं। जब हम उन परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं तो हम दैत्य बन करके उन मोहिनी अवतार के, ये माया के अंतर्गत में हम नाचते हैं। लेकिन जब उसी माया में, जब उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में जब हम अपने इष्ट का, नहीं भाई ये तो होना था, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम अपने ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो गए। विचार करिए, हम अपने ईश्वर के प्रति, हम अपने बाबा के प्रति समर्पित हो गए, हम आस्थावान हो गए, श्रद्धावान हो गए, हमें विश्वास हो गया कि ये जो आज हालात जैसे भी हैं, इन हालातों में मेरा बाबा यही मेरा पालन करता है। तो निश्चित मानिए, फिर उस समय कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी परिस्थितियां कष्टकारी क्यों ना हो, कितने भी हालात बुरे से बुरे, बद से बदतर क्यों ना हो, निश्चित मानिए अमृत हमको ही मिलेगा।